नमस्कार। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जान पहचान मायने रखती है, कुछ हद तक ये सच है। कई काम बन जाते हैं अगर जान पहचान आपकी अच्छी है, लेकिन सच ये भी है कि पहचान से मिला काम बहुत कम समय तक टिकता है और काम से जो पहचान बनती है वो पूरी जिंदगी आपका साथ देती है। इसीलिए हम ये चाहते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी पहचान आपके काम से बने। तो इसलिए अपने हर रोज को संवारना है, सुधारना है और जिंदगी में जो मकसद आपने सोचा है उस तक बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ना है। आपके तारे ज्योतिष गुरु की मदद से यही कोशिश हर रोज करता है और यही कोशिश हम आज भी करेंगे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का ये साथ 2 जनवरी के लिए हमें गाइड करने जा रहा है, तो ये दिन कैसा रहेगा? किसी भी राशि के लिए एक सा नहीं होगा, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। तो हम आपको सबसे पहले अलग अलग राशियों के हिसाब से राशिफल बताएंगे और उसके बाद सबको अलग अलग कुछ टिप्स देंगे क्या करें और क्या ना करें की शक्ल में। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, 2 जनवरी के लिए हो जाइए तैयार। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार में रिश्तों को संभालने का अच्छा समय बना हुआ है। खुशियां भी हैं और हर तरह का लाभ भी है। जो भी हालात बन रहे हैं वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका भी देंगे। क्या करना चाहिए समय में, अपने कामकाज की स्थिति को थोड़ा सा और ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। कामकाज के क्षेत्र में अपने साथियों और सहयोगियों की आलोचना को समझने की कोशिश जरूर कर लें, हो सकता है उस भाई का राज छुपा हुआ हो। पैसे की स्थिति अच्छी है लेकिन पैसे को बचाकर भी चलाना है। क्या ना करें समय में, जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं उसमें फैसले करते हुए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ऐसा ना हो कि आपके ज्ञान और आपके प्रदर्शन पर कोई सवाल खड़े हो जाएं। इसलिए अपनी सीमाओं को भी समझें, उनसे हट कर ना सोचें। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी बनी रहेगी क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं, लेकिन निरंतर कुछ ना कुछ आपके मन में चलता रहता है कि आपने हालात को जो है आप कैसे बदल पाएं। अगर किसी कारोबार का विचार है तो पहले ये सोच लें कि नुकसान की कितनी संभावना है। क्या करना चाहिए समय में, अगर किसी का साथ या समर्थन मिल जाए तो किसी रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। वैसे भी तकदीर आपको ये बताना चाह रही है कि आपके अपनों की कितनी बड़ी भूमिका है जिंदगी में, उन्हें भी आपको अपने साथ लेकर चलना होगा। क्या ना करें समय में, अगर आप किसी विचार को लेकर सही भी हैं तो भी लोगों की गलती बिल्कुल ना निकालें। ऐसा ना होने दें कि किसी भी तरह के मतभेद के चलते आप कहीं अपना ही नुकसान कर लें। सिर्फ अपनी ही बात को मनवाना भी ठीक नहीं है। तो भले ही आप सही हो लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए विवाद के हद तक उतर आए इसकी जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट नहीं चाहिए इस समय जिंदगी में। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशनुमा माहौल बनाए रखिए, जिंदगी बहुत सारी नियमतें आपको देगी। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने आता है आकांक्षी का, 11/5/1986 अलीगढ़, 2:15 PM इनका जन्म हुआ है। सवाल है शादी से जुड़ा हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो शुभ घड़ी है विवाह की, ये इनके जीवन में अब तक नहीं आई है। तो कुंडली क्या कहती है, कब तक इसका योग? आकांक्षी, आपकी कुंडली है जी सिंह लग्न की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की, मई 2018 तक। बहुत कोशिशों के बाद भी शादी की बात नहीं बन पा रही। देखिए, शादी के लिए एक अच्छा समय बनता है जी जून-जुलाई 2018 में, अब से लगभग 1.5 वर्ष के बाद। और शादी अच्छे समय में ही करनी चाहिए जब तालमेल हो, सुख हो, जीवन की खुशियां बनी रहे। मैं इस वजह से ये 1.5 साल आपकी शादी में देरी करा रहा हूँ क्योंकि एक समय है जी सितंबर 2017 से लेके अप्रैल 2018 का, इसमें तालमेल में कमी हो सकती है। तो इस पीरियड को क्रॉस करके फिर 2018 के मध्य तक ही आपको शादी करनी चाहिए। तो इसीलिए देर लग रही थी क्योंकि 1.5 साल बाद आपकी शादी का सुंदर सा समय आपके जीवन में आ रहा है। वैसे भी शादी खुशियों के लिए की जाती है और जब खुशियों का समय हो तभी शादी होनी भी चाहिए, तो ऐसा हो ही रहा है। फिलहाल इन 1.5 साल अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, उसके बाद सुंदर सी जिंदगी में प्रवेश कीजिए। हम दोनों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। अगली राशि आती है हमारे सामने मिथुन और कर्क। तो आइए आपके लिए देखते हैं कि 2 जनवरी का दिन कैसा है और इस दिन को आपको जीना कैसे है। अगर कहीं कोई चूक होने की रत्ती भर भी गुंजाइश है तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे को लेकर बहुत मददगार समय है और जब भी ऐसा हो तो उधार के बोझ को उतार लेना ही ठीक होता है। अगर आपकी कोई देनदारी है तो उसे चुकता करने का जरूर सोच लें, और अगर किसी प्यार के रिश्ते में मतभेद है तो उसमें दूरियां ना बढ़ाएं। क्या करना चाहिए समय में, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का समय है।
किसी भी रास्ते में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक सी बात है। आप मोटिवेटेड रहेंगे तो बहुत कुछ संभाला भी जाएगा। अपनी ओर से लोगों को वो इज्जत मान जरूर दे दें। क्या ना करें समय में, पैसे की स्थिति ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसे को खतरे में डाल लें। कोई विकल्प कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन जल्दबाजी फिर भी ना करें। अगर मन में किसी भी तरह का संदेह है तो रुक जाना ही बेहतर होगा। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं, लेकिन ऐसे में अपने मन पर बोझ को बढ़ा लेना ठीक नहीं है। अपने मुकाम को हासिल करने के लिए परिस्थितियों से जूझना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए समय में, अपनी चुनौतियों से सीख लेकर और ज्यादा मेहनत करने का समय है। जहां भी संभव हो अपने हालात से समझौता जरूर कर लें, हार ना माने, अपने मन में भरोसा जगाएं, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें समय में, एक इंसानी फितरत है कि लोग परेशानी से घबरा जाते हैं, लेकिन आप इस समय घबराएं नहीं, ना ही अपने घर परिवार की शांति को भंग होने दें। बदलता हुआ समय है जो आपको परखना चाह रहा है, इसलिए ऐसा भी कोई फैसला न करें जिसके चलते आपका पैसा कहीं फंस जाए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, क्योंकि आप लोगों से जुड़ भी पा रहे हैं और लोगों को समझ भी पा रहे हैं। अपने फायदे का ना सोचकर लोगों के फायदे की बात करेंगे तो लोगों का दिल जीतना आसान हो जाएगा। किसी प्यार के रिश्ते में भी सुख और सुकून बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार में रिश्तों का तालमेल बना रहे तो जीवन में खुशी का माहौल बना रहेगा। आप भी इस प्रयास में शामिल हो जाइए, अपनों के करीब आने का समय है। क्या ना करें समय में, अपनी योग्यताओं को अपने कामकाज से जोड़ना होगा, इसलिए अपनी मेहनत की ताकत को कम ना समझें। मेहनत एक जगह है, लेकिन अपने पैसे की प्लानिंग में कोई कमी ना आने दें। भावुकता में आप कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे। कन्या राशि वालों को तो ये समझना ही पड़ेगा कि मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता। वैसे भी मुश्किल रास्ते पर चलते हुए इंसान अपने आप को अकेला ही पाता है, ऐसे में कुछ हद तक परेशानी तो होगी। इस वजह से पैसे को संभाल कर चलाना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में, अपने मन को शांत रखेंगे तो किसी प्यार के रिश्ते को संभालना भी आसान हो जाएगा। ये सच्चाई है कि बहुत भटके हुए विचार हैं जिन्हें थाम लेने की जरूरत है, इसलिए अपनी कोशिशों को बहुत केंद्रित करना पड़ेगा। क्या ना करें समय में, पैसे से जुड़ा किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। मुश्किल भरे समय में कोई बड़ा फैसला करना ठीक नहीं है, उसमें बचकर निकल जाना ही बेहतर होगा। तो जब समय थोड़ा टफ हो तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे बचकर भाई इस मुश्किल की घड़ी से निकल जाएं, ना कि कोई बड़े फैसले करने की सोचें, क्योंकि ऐसे वक्त में जब थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा हो फैसले भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो खुद को बचाते हुए बहुत आराम से निकल जाना है, अच्छे वक्त में जरूर फैसला कीजिएगा, मगर अभी नहीं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अब हमारे सामने आता है मानिक चंद शर्मा जी का। इनका जन्म हुआ 24/8/1949 1:10 AM बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। बहुत ज्यादा कर्ज इनके ऊपर लद चुका है, बहुत ज्यादा लोन ये ले चुके हैं। ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है इनकी कब तक ठीक होगी, कब तक सही मायनों में ये मुक्त होंगे इन तमाम कर्ज के दबावों से। मानिक चंद जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2018 तक। आपने कहा बहुत सारा कर्ज है और उसका बोझ है, और कब और कैसे ये बोझ उतरेगा ये आपको समझ में नहीं आ रहा। बहुत चिंता की बात होती है जब इस तरह का कर्जा ऊपर चढ़ जाए और फिर संभावना ऐसी ना बन पा रही हो। वैसे भी इस समय आपकी जो कुंडली वो ये कह रही है कि जितना भी पैसा आता है उतना ही निकल भी जाता है, तो कर्ज उतारने की संभावनाएँ जैसे बहुत ही धीमी बनी हुई हैं, बहुत ही कम बनी हुई हैं। आपके लिए एक अच्छा समय बनता है जी आर्थिक स्थिति को लेके, वो समय है जी जुलाई 2018 से आगे। और जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जब बचत की गुंजाइश होगी, जब कर्जा उतारने की बात होगी, तो फिर वो संभव हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए 1.5 साल का इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन उस दिशा में प्रयास तो आपको निरंतर करने होंगे। जुलाई 2018 से आपका अच्छा समय आ रहा है। जो ये बोझ आप महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर तरह तरह के, ये सारे धीरे धीरे छटते चले जाएंगे। आप बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, फाइनेंशियली भी अच्छा समय आपका आ रहा है। तो वक्त की कसौटी पर अभी तक आप खड़े उतरे हैं। हमारी सलाह ये है कि थोड़ा सा और मजबूत रहिए, बस 2018 आने दीजिए, देखिए ये कितना खूबसूरत समय आपके सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं समय कैसा है। समय कैसा भी हो अगर अच्छा है तो उसे हम और अच्छा बनाएंगे टिप्स के जरिए। तुला राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका रुझान अच्छा बना हुआ है,
उसमें आपके अपनों की सहमति और समर्थन भी बना रहेगा। आप व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या करना चाहिए समय में? बातचीत कर लें और उस प्रयास में अपने चाहने वालों को भी शामिल कर लें। आपके जीवन की खुशियां इस समय अपनों से जुड़कर ही बनेंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। पैसे की स्थिति को संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपने प्रबल विचारों को थोड़ा सा थाम लें। अपनी इच्छाओं को भी इतना ना बढ़ाएं कि उसका असर आपकी जिंदगी की स्थिरता पर पड़े। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, क्योंकि आप ऐसा चाह रहे हैं और आपके अपने भी आपके इस प्रयास में आपका पूरा साथ निभा रहे हैं। इस अच्छाई को बनाने में आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी छुपा हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई भी बनी हुई है और आपकी मेहनत भी काम कर रही है, लेकिन खुद को थोड़ा विनम्र बना लेने की कोशिश करनी होगी। ऐसा करके देखिए, आपकी बात का वजन और बढ़ जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी को भी खुश करने के लिए अपने पैसे का नुकसान बिल्कुल ना करें। वैसे भी ऐशो आराम के खर्चों को इस समय बढ़ने ना दें। जो भी विकल्प इस समय आपके सामने उभर कर आ रहे हैं, उसमें जल्दबाजी में फैसले करना ठीक नहीं है। धनुराशि वालों के मन में किसी यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है आप, लेकिन आप बहुत तरह के मिले जुले से विचारों को लेकर चल रहे हैं और वो विचार बार बार बदलते भी चले जा रहे हैं। किसी भी ऐसी बात को लेकर आपका मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। चाहे रिश्तों की बात हो या धन की, अपना नुकसान करते चले जाने से बचना होगा। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, थोड़ी सी शांति बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? सेहत से जुड़ी परिस्थितियों को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी बात को इग्नोर करके अपनी परेशानी को बढ़ा लेना ठीक नहीं है। आने वाले 4 शनिवार को किसी को भी कुछ ना कुछ दान में जरूर दे दें। मकर राशि वालों के लिए हालात आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम है। लोगों की अच्छी सलाह भी इस दिशा में आपको जरूर मिलेगी। अपने मित्रों या चाहने वालों से किसी भी तरह की बातचीत में या डिस्कशन से लाभ भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को इस रूप से समझें कि उसमें एक सही योजना शामिल हो। निवेश इस रूप से करें जो बिल्कुल सेफ हो या सिक्योर्ड हो। ऐसा करते हुए अपने रोजमर्रा के खर्चों को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज के क्षेत्र में किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। अगर आप आलोचना से बचना चाहते हैं तो अपने काम को प्रदर्शित करने की कोशिश कर लें। अपने काम में किसी भी तरह की कमी को दर्शाना ठीक नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए हालात बहुत मददगार हैं, जो आपको सुख और सुकून भी प्रदान करेंगे। कामकाज की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आप खुद अपनी ओर से मेहनत कर पा रहे हैं। तकदीर इस समय आपको एक सही रास्ता दिखा रही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपनी इन्वॉल्वमेंट में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। जो भी कर रहे हैं उसी से जुड़े रहें। आपका बड़ा लाभ जो है वो सुनिश्चित है। इसी के चलते आपका आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने। लोगों को खुश करने के लिए अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डाल लेना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए नुकसान भरा समय है, क्योंकि आप सूझबूझ से फैसला नहीं कर पा रहे। किसी भी तरह की उत्तेजना या जल्दबाजी आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। किसी प्यार के रिश्ते में भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाने की इच्छा है मन में, लेकिन अभी रुक जाने की ही जरूरत है। सिर्फ अपनी ही बात को नहीं, लोगों की बात को भी समझना होगा और अहमियत भी देनी होगी। क्या ना करें समय में? कोई बड़ा कदम उठाने की चाह में आप अपना नुकसान न कर बैठे। वैसे भी ये चुनौतियों भरा समय है। अपनी परेशानियों का आंकलन करने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। बस चलते चलते यही आपसे कहना चाहेंगे कि जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि आपका काम आपकी पहचान बने, आपका काम किस्सा बने। और अगर इसमें कोई भी बाधा है, कोई भी मुश्किल है, तो हम हर रोज हैं ना आपका साथ देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि अपने हर रोज को आप कैसे प्लान करें। तो दिक्कत कहीं नहीं है, बस ये रिश्ता जो बना है सालों का, ये ऐसे ही बना रहे। अगर कोई मुश्किल आती है, कोई समस्या आती है, तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, aapketaretaajtak.com, जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट हमारी www.aajtak.in/tare। तो बस ये साथ यूं ही बनाए रखिए और ये साथ आपको कभी जिंदगी में अकेला नहीं पड़ने देगा, ये हमारा वादा है। देखते रहिए आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।